तुम्हारे पिता जो हैं इस खेल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तुम्हें भी कुछ तो पता होगा इस खेल के बारे में। हाँ, ये घोड़ा, ये वजीर और ये राजा। बहुत सही। एक बात बताओ, इस खेल का सबसे महत्वपूर्ण मोहरा कौन सा होता है? वजीर है ना फूफा जी? नहीं बेटा, सबसे महत्वपूर्ण मोहरा होता है बादशाह, राजा। लेकिन ये जो वजीर होता है ना, ये होता बहुत समझदार है, हमेशा अपने राजा की रक्षा के लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन राजा के सामने वजीर की कोई औकात नहीं होती। लड़ाई चाहे कितने ही लोग लड़ें, लेकिन जीत हमेशा राजा की कहलाई जाती है, सिपाही की नहीं। लेकिन फूफा जी, सिपाही तो राजा के लिए ही लड़ते हैं ना? बेटा वो तो उसका धर्म और कर्तव्य होता है, लेकिन युद्ध हमेशा दो राजाओं के बीच में होता है। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? इसका मतलब है बराबरी वालों में। अरे ये सिपाही और घुड़सवार तो बहुत छोटे छोटे मोहरे होते हैं बेटा। अब हम तुम्हें कैसे समझाएं उदाहरण के साथ? उदाहरण के साथ कैसे समझाएं? हाँ, अब जैसे तुम और वो लड़की है ना हमारे घर में, अरे वो गंगा, वो जो नौकरानी। देखिए फूफा जी, गंगा नौकरानी नहीं है। नहीं बेटा, यही तो तुम गलत हो। अगर तुम इस खेल के राजा हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी ताकत और अपना महत्व समझना होगा। बेटा राजा राजा होता है, कोई भी सिपाही राजा की बराबरी नहीं कर सकता। राजा के हुक्म का गुलाम होता है सिपाही, अपने अन्नदाता के आदेश का पालन करना उसका कर्तव्य होता है। समझ में आ रहा है जो हम समझा रहे हैं? हमेशा गुलाम को उसकी जगह पर रखना चाहिए, चाहे वो कितना ही होशियार या फिर कितना ही लायक क्यों ना हो। उसी तरह तुम्हें गंगा को अपने सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। काम करवाओ उससे, सेवा करवाओ। अगर अपने आप को दूसरों से कम समझोगे और ये समझोगे कि किसी के बिना तुम्हारा काम नहीं बन पाएगा, तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे बेटा। जीवन में अगर नायक बनना है ना, नायक, तो बेटा सामने वाले को अपने हुक्म का गुलाम बनाना सीखना होगा तुम्हें। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरी बात नहीं। अभी हमारी संगत में रहोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। चलो खेल शुरू करते हैं।